एचआरटीसी निगम की बसों से टांका मार्ग कंडक्टरों पर नकेल कसने के लिए विभाग ने कमर कस ली है और इसी के तहत योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कंडक्टरों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें कि हाईटेक तरीके से हमीरपुर में टांका मार्ग कंडक्टर काम कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक दूसरे से जानकारियों का आदान प्रदान करके टांका मार्ग करके पैसे जुटा रहे हैं, जिसे दिन दिहाड़े निगम को हजारों रुपए का चूना लग रहा है। टांका मार्ग कंडक्टरों को पकड़ने के लिए आरएम हमीरपुर ने चेताया है कि अगर ऐसा करते हुए कंडक्टर पकड़े जाते हैं तो कानून सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एचआरटीसी निगम की बसों में टांका मार्ग कंडक्टरों पर नकेल कसने के लिए विभाग ने कमर कस ली है और इसी के तहत योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कंडक्टरों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें कि हाईटेक तरीके से हमीरपुर में टांका मार्ग कंडक्टर काम कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक दूसरे से जानकारियों का आदान प्रदान करके टांका मार्ग कर पैसे जुटा रहे हैं, जिसे दिन दिहाड़े निगम को हजारों रुपए का चूना लग रहा है। टांका मार्ग कंडक्टरों को पकड़ने के लिए आरएम हमीरपुर ने चेताया है कि अगर ऐसा करते हुए कंडक्टर पकड़े जाते हैं तो कानून सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अक्सर घाटे का रोना रोने वाले हिमाचल पथ परिवहन निगम को उभारने के लिए निगम प्रबंधन हर तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इस घाटे के लिए कहीं ना कहीं भी बस कंडक्टर भी जिम्मेदार हैं, जो आए दिन टांका लगाने और फ्लाइंग से बचने के लिए नए नए तरीके अख्तियार करते रहते हैं। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर एचआरटीसी डिपो के कंडक्टर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक दूसरे को फ्लाइंग की लोकेशन को लेकर अपडेट देते रहते हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब हमीरपुर निगम प्रबंधन ने ऐसे दो ग्रुप पकड़े। इन ग्रुपों में दिन भर मैसेज चलते रहते हैं और बताया जाता है कि फ्लाइंग की मूवमेंट आज किस तरफ हुई है और कौन सा रूट क्लियर है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ ऐसा एक भी मामला नहीं आ रहा था जिसमें कोई कंडक्टर टांका लगाते हुए पाया गया हो। कुछ समय के लिए तो निगम को लगा कि शायद पिछले मामलों से सबक लेते हुए कंडक्टर सचेत हो गए हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन निगम के हाथ दो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप लगे हैं जो कंडक्टरों ने बना रखे थे। इसमें वे एक दूसरे को अपने रूट के बारे में अपडेट देते रहते थे। गौरतलब है कि पथ परिवहन निगम के हमीरपुर डिपो की बात करें तो इस वर्ष करीब 9 कंडक्टर फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा टांका लगाते हुए पकड़े जा चुके हैं। निगम द्वारा इनमें से कईयों को सस्पेंड भी किया गया है। कुछ माह पूर्व एक कंडक्टर ने बम की अफवाह फैलाकर पूरी की पूरी बस को खाली ही करवा दिया, क्योंकि उस बस में 2-4 यात्रियों को छोड़कर किसी को टिकट नहीं दी गई थी। आरएम हमीरपुर विवेक लगनपाल का कहना है कि टांका मारने के लिए कंडक्टर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप विभाग की नजर में हैं, जिनको लेकर छानबीन की जा रही है। उन्होंने चेताया है कि अगर कोई कंडक्टर टांका मारते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फेरी नहीं कही जा सकती है, परंतु कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप ध्यान में आए हुए हैं हमारे, और उसमें वो ग्रुप बना ले रहे हैं कंडक्टर मिलके और उसमें मूवमेंट चेंज कर रहे हैं चेकिंग स्टाफ की, चाहे वो चेकिंग वाली गाड़ी हो चाहे जो मर्जी हो, तो उसके हिसाब से वो कुछ कर रहे हैं। परंतु अभी तक एज सच डायरेक्टली केसेस पकड़े नहीं गए हैं, तो इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ ग्रुप्स जो हैं हमारे ध्यान में आए हुए और उसके बारे में हमने अवगत भी कराया हुआ अपने सुपीरियर अथॉरिटीज को। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर इनके ऊपर? हाँ, यदि इस दौरान कोई कंडक्टर पकड़ा जाता है टांका लगाता हुआ और उसका उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी नाम है और उसके थ्रू वो उसको चेज कर रहा है और फिर पकड़ा जाएगा, तो उसके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी।